एवरीबॉडी, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है इसको आप भली भांति समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखे जाए, ठीक है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वह है पोर्सिया, ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं आपको पोर्सिया के बारे में बताता हूँ। पोर्सिया के बारे में आप कैसे लिखेंगे, पोर्सिया नाम लेते ही आपके मन में बहुत सारी बातें आ जानी चाहिए, ठीक है, कि पोर्सिया जो है वह किस तरह की महिला थी, उसका इस नाटक में क्या रोल रहता है। इस सब सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप इसे लिखेंगे, ठीक। तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा यह आप सर्वप्रथम देखेंगे। तो देखिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताते हैं। इस केस द कैरेक्टर ऑफ पोर्सिया, इसके द कैरेक्टर ऑफ पोर्सिया यानी पोर्सिया का चरित्र चित्रण करना है। तो चलिए, जैसा कि आप स्टोरी के बारे में जानते हैं तो आप जो है पूरा निर्भय होकर के बेबाक उसके बारे में सोचिए और जो भी कुछ दिमाग में आता है उसे लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन लिख लेंगे जो बॉडी आंसर में 75 वर्ड्स में आता है, ठीक है। तो देखिए, आंसर is one of the best heroine. देखिए, पोर्सिया is one of the best heroine. आगे देखिए, created by William Shakespeare. Portia is one of the best heroine. Portia is one of the best heroines created by William Shakespeare. ठीक है, क्योंकि जो Portia है वह द मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है। तो सर्वप्रथम मैंने इसके बारे में जिक्र किया। सी इज Honest Lady of Belmont. She is Honest Lady of Belmont. मतलब वह बेलमॉन्ट की बहुत ही अमीर लेडी रहती है। आगे plays an important role in the play
इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। देखिए हमने बताया सी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी मर्चेंट ऑफ वेनिस में उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट सी इज ब्लेंड ऑफ ब्यूटी, सी ब्लेंड ऑफ ब्यूटी एंड म्यूजिकल पर्सनालिटी। Not only physical beauty, but also beauty of character. Portia possesses not only physical beauty but also beauty of character. मतलब Portia में सिर्फ शारीरिक beauty ही नहीं है, शारीरिक सुंदरता ही नहीं है, बल्कि उसमें चारित्रिक सुंदरता भी है, उसके चरित्र की भी सुंदरता है। She is renowned. Fair and lovely lady. तो इस तरह
इंटेलिजेंस से। हर इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में देखते हैं। देखिए मेनी सूटर्स, मेनी सूटर्स कम, टू वर, मेनी सूटर्स कम टू वर। सी अंडरस्टैंड्स their characters immediately, their characters नेक्स्ट उसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज ये दोनों थे, ये दोनों क्वालिटी उसमें पर्याप्त थे, तो इस बात का भी हम इसमें जिक्र करेंगे। देखिए सी हैज मैस्कुलिन फेमिनिन क्वालिटीज, सी हैज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज, मतलब उसमें पुरुषत्व और स्त्रीत्व दोनों के गुण थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। In her court, she diverse of beauty both. In her court, she delivers a beautiful speech on mercy. मतलब वह कोर्ट में मर्सी पर बहुत ही सुंदर भाषण देती है, तो इस बात का भी हम जिक्र करेंगे। आगे देखिए और वह क्या स्पीच है उसको हम यहाँ बताते हैं, कुछ लाइन्स बताते हैं से ध्यान दीजिए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, एस टी आर ए आई एन ई डी स्टैंड, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड इन ड्रॉप्ड, इन ड्रॉप्ड, इन ड्रॉप्ड एज द जेंटिल जेंटिल
ट्रेन। इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, सुंदर है, उसके साथ साथ वह हमेशा खुश भी रहना चाहती है, कुछ ऐसी बातें करती है, कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे कि एक खुशी का माहौल बने। तो कैसे, जैसे आपने रिंग स्टोरी में देखा होगा, उसके हम देख सकते हैं उसे कि किस तरह से है वह एक खुशी का एटमोसफियर क्रिएट करती है। देखिए
उसमें जो है न्याय करने के जो है स्ट्रॉन्ग सेंस थे, उसमें बहुत ही आत्मबल था, विश्वास था। तो देखिए पोर्सिया इज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑफ जस्टिस, एट स्ट्रॉन्ग ऑफ जस्टिस, स्ट्रॉन्ग ऑफ जस्टिस when Basilio requests her, when Basilio requests the Duke to break the law in order to save Antonio's life, in order to save Antonio's life. When Bassanio requests the Duke to break the law in order to save Antonio's life. देखिए आगे Porcia immediately objects Porcia immediately objects that by doing so पोर्सिया तुरंत ही विरोध करते हैं, दैट बाई डूइंग सो, ऐसा करने के लिए। आगे देखिए द इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू The importance and value of the law vanish. Of the law vanish would be destroyed. Importance and value of the law vanish would be destroyed forever. आगे देखिए see loves she loves justice and She loves justice and begs Shylock and begs Shylock to have mercy on Antonio. And
बट सी फेस। तो इस सेंटेंस में हम सी लव्स जस्टिस एंड बेग्स साइलाब टू हैव मर्सी ऑन एंटोनियो बट सी फेस। इस तरह से वह असफल हो जाती है। आगे देखिए दस ओसिया, दस ओसिया ओसियास करेक्टर इज मेड ऑफ ब्यूटी। The finest of human virtues great intelligence, determination, determination, force of character, force of देखा कि इस तरह से है पोर्सिया का जो चरित्र चित्रण था वह कितना इजीली कितना आराम से यह समाप्त हो गया। इस तरह से अन्य लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करेंगे। ओके।